अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो गुड़। गुड़ को हम पिघला लेंगे, साथ ही हम चने की दाल को बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब चने की दाल बॉयल हो जाए तो हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 2 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें हम 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, और सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें गुड़ का मिक्सचर शामिल कर देंगे जो हमने मेल्ट किया हुआ है। फिर हम इसमें चने की दाल शामिल करके मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बॉयल राइस शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी आंच को तेज़ रखना है ताकि गुड़ का जो शीरा है वो चावलों में जज़ब हो जाए। 5 मिनट तेज़ आंच पर रखना है। आधे घंटे के लिए दम पर रख दें। ये मैं आपको बताना भूल गई, 2 किलो गुड़ है तो 2 किलो चावल ही लेंगे। दम के वक्त चावलों के ऊपर ऑयल शामिल कर दें, इससे चावल खिले खिले और अलग अलग होंगे। मज़ेदार गुड़ वाले चावल तैयार। खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।